हाथरस की झूठी कथा करने वाले, वहां कुछ ही प्रकार के अत्याचार नहीं हुआ, वो बनावटी बना करके उसको अत्याचार बना के ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर वहां पहुंच रहे हैं जिनका अस्तित्व तो खत्म हो गया। वो अभी पूरा जांच किया जाए, सीबीआई जांच किया जाए तो हर चार पांच गांव में ऐसी घटना मिलेगी। अभी एक यहां के जिम्मेदार मंत्री, उनका तो नाम लेने में मेरे शर्म लगता है, ऐसे मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाथरस की झूठी कथा करने वाले, वहां कुछ ही प्रकार के अत्याचार नहीं हुआ, वो बनावटी बना करके उसको अत्याचार बना के ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर वहां पहुंच रहे हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो गया। वो जहां कुछ नहीं वहां, और हमारे बस्तर के आदिवासियों के साथ घटना घट रही है, उनको यहां आना चाहिए। क्यों नहीं आते, मुंह क्यों छुपाते हैं? आदिवासी के अत्याचार और विकास के लिए दम भरने वाले ये आदिवासी के हितैषी कहां गए? यहां के विधायक और यहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है, इनसे संभालना बड़ा मुश्किल है। हाथरस की झूठी कथा करने वाले, वहां कुछ ही प्रकार के अत्याचार नहीं हुआ, वो बनावटी बना करके उसको अत्याचार बना के ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर वहां पहुंच रहे हैं जिनका अस्तित्व तो खत्म हो गया। वो जहां कुछ नहीं वहां,